फाइनली गाइस स्टार मेकर का नया अपडेट आ चुका है। ये अपडेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपने थंबनेल देख के पता लगा लिया होगा। तो ये अपडेट ग्रेडिंग को लेकर के आया हुआ है। ग्रेडिंग से रिलेटेड आपके जितने भी सवाल थे, जितने आपकी क्वेश्चन थे स्टार मेकर से, वो सारे के सारे सॉल्व हो गए हैं। ये अपडेट छोटी सी वीडियो है, इस वीडियो को कम्प्लीट देखें, कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि आप कहीं भी स्किप कर देंगे तो मेरी जो इंपॉर्टेंट टिप्स आपसे मिस हो जाएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। तो गाइज अपडेट तो आया है, लेकिन इसमें आप थोड़ी और ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले ऐसा होता था, आपका सवाल ये था कि कुछ लोग बहुत खराब गाते हैं, केवल उनकी जो नोट होती है वो हाई होती है, तब उनको ए प्लस या ए प्लस प्लस मिल जाता है। तो ये आपका सवाल था, लेकिन इस अपडेट में स्टार मेकर ने अपने सर्वर सिस्टम को चेंज कर दिया है, ग्रेडिंग को चेंज कर दिया है। अब ग्रेडिंग उनको ए प्लस प्लस मिल रही है, जो कि वाकई में ओरिजिनल स्केल पे गाते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्टार मेकर ने अब करोके के हिसाब से जो उसकी ओरिजिनल स्केल है उसके हिसाब से ग्रेडिंग कर दी है। तो ये जो लोग ओरिजिनल स्केल पे गाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपडेट है, बहुत अच्छी चीज़ है। उनका सवाल भी जो था उसका जवाब उनको मिल चुका होगा। तो अब आपको मेहनत इस वजह से पड़ेगी क्योंकि अब आप जो स्टार मेकर की स्केल पे गा रहे थे उसको आपको बुलाना होगा, आपको ओरिजिनल स्केल पे गाना पड़ेगा। ओरिजिनल स्केल पे गाने के लिए देखिए, ये चीज आसान उनके लिए है जो एक्चुअल में ओरिजिनल स्केल पे गा रहे हैं, उनके लिए नहीं है जो स्टार मेकर की ग्रेडिंग को लेकर गा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अब ओरिजिनल स्केल की प्रैक्टिस करनी है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, स्पैमर जो थे और जो इनवैलिड यूजर्स थे वो क्या करते थे, हाई नोट थोड़ा सा ले गए और ए प्लस प्लस ग्रेडिंग पा गए और अपने सॉन्ग को रैंकिंग में लेके चले गए। तो अब उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाए क्योंकि जब तक वो ओरिजिनल स्केल की करोके सॉन्ग की ओरिजिनल स्केल पे नहीं गाएंगे तब तक उन्हें ए प्लस प्लस या ए प्लस नहीं मिलेगा। तो ये था अपडेट। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, अब स्टार मेकर ने स्पैमर्स को बिल्कुल ही रिमूव कर दिया है स्टार मेकर से। अब आपने देख रहे होंगे आपकी कोई भी अकाउंट हैक नहीं हो रहे हैं, जितने भी अकाउंट डिसमिस किए जा रहे हैं या ब्लॉक किए जा रहे हैं वो स्टार मेकर खुद कर रहा है, किसी न किसी इनवैलिड एक्टिविटी को लेकर। तो मैं आपको बता दूं, आप कोई भी अब्यूजिंग ना करें। देखिए, हाल ही में ये होता है कुछ लोगों का झगड़ा हो जाता है रूम में या चैट रूम में या कहीं भी कमेंट में झगड़ा हो जाता है तो अब्यूजिंग करने लगते हैं या उसका जवाब देने लगते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आपके पे कोई भी ऐसी अब्यूजिंग करता है तो आप तुरंत उसकी रिपोर्ट करें, रिपोर्ट सेक्शन में जाके आप उसकी रिपोर्ट करें, उसकी आईडी नंबर डालें और स्टार मेकर को रिपोर्ट करें। स्टार मेकर खुद उसका एक्शन लेगा, लेकिन आपको उसको जवाब नहीं देना, क्योंकि आप अगर जवाब देंगे तो आपका अकाउंट खतरे में आ जाएगा। क्योंकि स्टार मेकर केवल एक के अकाउंट को नहीं बैन करेगा, डिसमिस एक के अकाउंट नहीं करेगा, दोनों के कर देगा, क्योंकि आप दोनों स्टार मेकर की जो कम्युनिटी है उसको खराब कर रहे हैं। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम होती है आप तुरंत रिपोर्ट जाएं। अब स्टार मेकर की रिपोर्ट सिस्टम, रिपोर्ट सर्विस भी और ज्यादा टाइट हो गई है। अब आप अगर किसी को रिपोर्ट करते हैं तो तुरंत एक्शन लेगा स्टार मेकर। जैसा कि मैंने बताया था कि नए डेवलपमेंट में स्टार मेकर बिजी है, तो डेवलपमेंट पूरा हो चुका है। अब कोई नया फीचर आपको देखने को मिलेगा, वो फीचर क्या है मुझे भी नहीं पता है, लेकिन स्टार मेकर के अपडेट के मुताबिक वो फीचर नया आने वाला है। अब देखते हैं वो फीचर क्या होता है। तो फिलहाल दो अपडेट थे मैंने आपको बताया, रिपोर्ट सर्विस चेंज हो चुकी है, स्पैमर्स को हटा दिया गया है और स्टार मेकर की जो ग्रेडिंग है वो अब ओरिजिनल स्केल के हिसाब से है। और इसमें लो डिवाइसेस काम नहीं कर रही हैं, तो उन जो लो डिवाइसेस नहीं काम कर रही हैं वो स्टार मेकर लाइट यूज करके देखें, अगर उसमें काम कर रही हैं तो उसे यूज करें, अदरवाइज वो फीडबैक सेंड कर सकते हैं। लेकिन कुछ डिवाइसेस में जो हाई डिवाइसेस हैं, हाई वर्जन डिवाइसेस हैं, उनमें ये काम कर रहा है। तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि वाकई में ओरिजिनल स्केल पे आ चुका है या फिर नहीं, ताकि मैं और फीडबैक स्टार मेकर को भेज सकूं, क्योंकि आप ही की मदद से मैं स्टार मेकर को कोई भी फीडबैक भेजता हूं। तो आशा करता हूं वीडियो समझ आई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहां अगर आपको कोई सवाल है, कोई हेल्प है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आऊंगा अगली वीडियो के साथ। इफ यू लाइक कीजिएगा, बाय।